ओके तो गाइस फाइनली एक महीने तक तेजी मंदी एप्लीकेशन को कंटिन्यू यूज़ करने के बाद मैं अपना फाइनल रिव्यू इस पर देने जा रहा हूँ। ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है तेजी मंदी एप्लीकेशन के ऊपर। आज इसका फुल एंड फाइनल बार रिव्यू करने वाले हैं, देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसका पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे और इनके बेसिकली जो तीनों प्लान्स हैं आपके, तीनों प्लान्स के ऊपर हम देखेंगे कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं और कितना सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपसे लिया जा रहा है, सारा कुछ फाइनली इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो प्ले स्टोर पे इसकी 4.1 की रेटिंग है, 11,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और 10 लाख से ज़्यादा इसको डाउनलोड्स मिल चुके हैं। अब इसको ओपन करेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों मोड दिखाई देंगे। मैं इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोगों को प्लान दिखाए जा रहे हैं कि कौन कौन से प्लान यहाँ पे हैं। मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए एक बार यहाँ पे बिहाइंड तेजी मंदी एप्लीकेशन के पीछे कौन कौन लोग हैं वो जान लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मिस्टर रामदेव अग्रवाल जो कि बोर्ड मेंबर है तेजी मंदी के, वो चेयरपर्सन भी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली एक मोतीलाल ओसवाल की सब्सिडरी कंपनी है और ये जो वैभव अग्रवाल जी हैं ये मोतीलाल, ये रामदेव अग्रवाल जी के बेटे हैं और इन्होंने ही जो है तेजी मंदी एप्लीकेशन को फाउंड किया है और ये ही फंड मैनेजर भी हैं। तो ये एक स्ट्रांग हैंड आप कह सकते हैं इस एप्लीकेशन के पीछे है। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे हमको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखोगे होम स्क्रीन के ऊपर इनके बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, आप लोगों को यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिखाई देगा सब्सक्राइब वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे तेजी मंदी के जो तीनों प्लान्स हैं यहाँ पे हमको दिखाई देंगे। यहाँ वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तीनों ही प्लान्स के बढ़िया से रिव्यू देने वाला हूँ, मिनिमम कितना पैसा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए इनको और कितना आप लोगों का मंथली यहाँ पे चार्जेस लगता है इसको सब्सक्राइब करने के लिए, कितना रिटर्न मिला है ईयर बाय ईयर, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए तीन प्लान्स हैं इनके, एक है तेजी मंदी फ्लैगशिप, दूसरा है तेजी मंदी एज जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। अगर आप YouTube पे 1.5-2 महीने पहले की वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को तेजी मंदी एज के बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि तब ये प्लान लॉन्च नहीं हुआ था। अभी देखिए एक लास्ट यहाँ पे प्लान भी है इनका तेजी मंदी मल्टीपिलर, ठीक है। तो तीनों ही प्लान्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजी मंदी फ्लैगशिप की। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को 99 रुपये पर मंथ पे करना होता है। अगर आप सब्सक्राइब करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ एक महीने का ही प्लान यहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए कम से कम 12 महीने का प्लान यहाँ पे सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 99 रुपये पर मंथ अगर आप पे करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे लगभग 1188 रुपये पे करने पड़ेंगे 12 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं, 6 महीने वाला प्लान भी यहाँ पे है इनका, तब आप लोगों को यहाँ पे लगभग वो 180 रुपये के दर से यहाँ पे उसका चार्जेस पड़ने वाला है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप 12 महीने का चार्ज ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मात्र 100 रुपये का फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों को 6 महीने ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लोगों को 34,238 रुपये कम से कम यहाँ पे करने पड़ेंगे, इतने से कम पैसा आपका रहता है तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग तो कैगर इसका 36% है, यानी कि आप लोगों को साल दर साल 36% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है तेजी मंदी फ्लैगशिप के अंदर। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एलोकेशन देख लेते हैं, आप लोगों का जो पैसा लगता है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होता है मेजरली ये देख लीजिए। तो यहाँ पे तेजी मंदी फ्लैगशिप के अंदर ज़्यादातर जो पैसा है आपका वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, लगभग 72% आप लोगों का पैसा लार्ज कैप में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा मिड कैप में 22% तक इन्वेस्ट करते हैं एंड स्मॉल कैप में बहुत ही कम, मात्र 6% का इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसमें रिस्क कम होता है। तो ये मीडियम रिस्क वाले एप्टीट्यूड वाले जो लोग हैं तो उनके लिए ये वाला प्लान है तेजी मंदी फ्लैगशिप वाला, यानी जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और बड़ी कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका पैसा ज़्यादा बड़ी कंपनियों में लगे तो तेजी मंदी फ्लैगशिप प्रोग्राम उनके लिए है। तो यहाँ पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दूसरा जो प्लान है इनका जो पहले से है मौजूद वो है तेजी मंदी मल्टीपिलर। अब हम तेजी मंदी एज की बात लास्ट में करेंगे क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है तो इसका डाटा भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तेजी मंदी मल्टीपिलर में देखेंगे तो यहाँ पे चार्जेस जो है काफ़ी ज़्यादा हैं तेजी मंदी फ्लैगशिप से, यहाँ पे करीबन आपको 299 रुपये पर मंथ पे करने होते हैं अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो, और अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लगभग 3600 रुपये आपके लगते हैं, 6 मंथ के लिए लेते हो तो करीबन 2400 रुपये लगते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 31,193 रुपये है, यहाँ पे आप लोग 31,193 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो
और यहाँ पे कैगर देखे तो 33% यहाँ पे कैगर है, यानी कि 33% तक का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम फंड एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप में यहाँ पे सिर्फ 15% पैसे लगाए जा रहे हैं, मिड कैप में आप लोगों का यहाँ पे करीबन 36% लगाया जा रहा है और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा 48% लगाया जा रहा है। तो आप लोगों का फ्लैगशिप तेजी मंडी फ्लैगशिप से तेजी मल्टी मल्टीपिलर जो है वो काफ़ी उलट है, जस्ट उसका उलट है। और यहाँ पे आप लोगों का जो है रिस्क अगर देखें तो बहुत ही हाई रिस्क एप्टीट्यूड वाले लोगों के लिए है, जो हाई रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। यहाँ पे आप लोगों को जो है रिटर्न देखने का भी चांस ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो पैसा है वो आपका मिड कैप स्मॉल कैप में लगा हुआ है, तो चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा ये बढ़ जाए। इसके बाद देखिए हाल फिलहाल में एक जो प्लान इनका लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तेजी मंदी एज। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस 200 रुपये पर मंथ है अगर आप इसको 12 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हैं, जो कि अभी सिर्फ एक ही प्लान है इनके पास, तो करीबन 2400 रुपये आपका लगता है यहाँ पे। अभी 6 मंथ वाला प्लान इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तेजी मंदी एज के अंदर आप सिर्फ 7300 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी देखिए क्योंकि हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है तो इसकी एक्यूरेसी वगैरह अभी नहीं आई है, इसका रिव्यू डेली होगा और आप लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें फंड एलोकेशन की तो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिड कैप के ऊपर लगेगा, लगभग 62% पैसा मिड कैप के ऊपर लगेगा और लार्ज कैप के ऊपर करीबन 38% यहाँ पे पैसा लगेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये आप लोगों का मॉडरेट रिस्क एप्टीट्यूड वाले लोगों के लिए है, जो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते और कम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, दोनों के बीच में जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोग तेजी मंदी एज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ऐप के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न वगैरह है तो यहाँ पे आप लोगों को कॉल वगैरह का नंबर दिया गया है, आप ये देख सकते हैं स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट तेजी मंडी, तो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं इनको, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेटर भी दिया गया है कि आप लोग अगर कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा यहाँ पे पा जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या किया यहाँ पे 34238 रुपये तेजी मंदी मल्टी बैगर फ्लैगशिप के अंदर जो है इतना इन्वेस्ट किया और मान लीजिए आपको 36% का रिटर्न मिला, आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल जो है आपका अमाउंट गेन होगा वो करीबन 29,000 रुपये आप लोगों को बढ़ के मिलेगा, यानी आप लोगों को करीबन करीबन आप लोगों का यहाँ पे वैल्यू जो 34,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है वो करीबन 63,327 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से आप अपना टेन्यूर वगैरह बढ़ा करके अपना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे आप लोग जो है 50% तक यहाँ पे जो है रिटर्न आप लोग बढ़ा के देख सकते हैं, अगर 50% से मैं करूँ तो करीबन 77,000 रुपये हो जाते हैं 34,000 रुपये जो आपने 2 साल के लिए लगाए हैं। तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको सारा ही तीनों ही प्लान के बारे में बता दिया कि किन कौन से रिस्क कैटेगरी वालों को कौन कौन सा प्लान यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी ये आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मोतीलाल ओसवाल जैसा बड़ा नाम इनके पीछे है, तो यहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ये उन एप्लीकेशन से तो बहुत ही बढ़िया है, उन व्हाट्सएप ग्रुप से और आप लोगों का टेलीग्राम चैनल से तो बहुत ही बढ़िया है, जो अनऑथराइज्ड होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं, कुछ भी कॉल देते रहते हैं और लोगों का बहुत लॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।